इसमें फार्मूला क्या होगा, यस एन बराबर एन बटे दो और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना होगा फार्मूला। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, डी का मान, जो डी का मान यहाँ 20 है वो 20 नहीं रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, माइनस 20, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से पहले के पुरस्कार से 20 रुपया कम है, और कम का मतलब माइनस, जैसे एक पुरस्कार अगर आ जाए 80 रुपया तो दूसरा कितना होगा 60 रुपया, तो 20 कम हुआ तभी तो 60 आया, तो 20 इसमें माइनस में होगा, तो डी का मान रखा जाएगा माइनस में। तो यहाँ मान रख देंगे एस ना, एन का मान है 700, एन का मान 7 बटे 2 टू ए, एन का मान 7 माइनस 1 और डी का मान माइनस 20 रखा जाएगा यहाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो 7 से कट जाएगा तो आ जाएगा ये 100, 2 से गुणा होगा तो 200, ये 2a, 7 में से 1 गया 6 और 6 का माइनस 20 से गुणा, 6 × 12 120, लेकिन माइनस में तो माइनस 120। अब ये माइनस प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो ये 200 प्लस 120 हो जाएगा बराबर 2a, तो जोड़ दो कितना आएगा 320 बराबर 2a, 2 से कट जाएगा 160, तो ये का मान आ गया 160, क्योंकि जो पहला पुरस्कार होगा वो 160 रुपये का होगा, पहले पुरस्कार की कीमत 160 रुपया, तो बाकी पुरस्कार का निकाल लो, तो पहला 160 रुपया, दूसरा 20 रुपया कम करो कितना आएगा 140 रुपया, तीसरा पुरस्कार 120 रुपया, चौथा पुरस्कार 100 रुपया, पाँचवा पुरस्कार 80 रुपया, छठवां पुरस्कार 60 रुपया, कई कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुरस्कार हुआ, एक और बच गया, एक बचा लास्ट 40 रुपया, ये 7 पुरस्कार हो गए। अब सभी 7 को जोड़ करके देख लो क्या ये 700 आ रहा है, अगर सभी को जोड़ कर 700 आ रहा है तो सही है, जोड़ के देखो कितना आ रहा है, ये दोनों मिलाकर कितना होगा 300, 400, 520, 600, 700, सही तो है। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखने में लंबा दिख रहा है ना, बहुत लंबा है ना थोड़ा, और ये भी है कि जो जितने लंबा होता है उतना आसान भी रहता है। क्वेश्चन देखिए, लिखा एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, लगाया नहीं, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग मतलब हाँ, जैसे एक कक्षा एक है तो उसी का एक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, जैसे कक्षा एक है तो वो एक पेड़ लगाएगा, दो क्लास का है तो दो पेड़, कक्षा 12 का है तो 12 पेड़ लगाएगा, इस तरह से क्लास के हिसाब से पेड़, कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़, कक्षा दो का अनुभाग एक अनुभाग दो पेड़, तीन का तीन पेड़ इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के चलता रहेगा, ये 12 वाले 12 पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, मतलब एक एक के तीन तीन सेक्शन भी हैं, जैसे ये भी इसी सेक्शन में बढ़ जाता है तो एक एक के तीन तीन सेक्शन हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, अब कुल पेड़ की संख्या बताना है, तो कैसे लगेगा ये, जैसे इसमें क्लास को लिख देंगे हम, तो कक्षा एक वाले एक पेड़ लगाएंगे, दो वाले दो पेड़ लगाएंगे, तीन वाले तीन पेड़, चार वाले चार पेड़, पाँच वाले पाँच पेड़, ऐसे 12 वाले 12 पेड़ लगाएंगे। लेकिन कह रहा कि प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, यानी एक एक तीन तीन गुना लगाएगा पेड़, तो चाहो तो पहले ही तीन गुना कर दो, या फिर जब सभी का मान आ जाए तो पूरे को तीन गुना कर दो, एक के बाद पड़ेगा। जैसे 12 क्लास तक मिला करके अगर मान लें कि 50 पेड़ लग गया तो एक एक सेक्शन वाले 50 पेड़ तो लगाएंगे, ऐसे तीन टोटल हैं तो तीन से गुणा कर देंगे 150 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी है, तो अगर पहले ही तीन दिन से गुणा कर देते हैं तो भी वैसे आएगा, या फिर लास्ट में गुणा कर दें तो लास्ट थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सभी का हमें योगफल निकालना है, क्या रहेगा, एस एन बराबर एन बटे दो और ए प्लस एल लगा दो, पहला और लास्ट बता हमको, तो लिख देंगे ए प्लस एल, एन का मान कितना है 12, एक से 12 तक 12 ही तो होगा, तो 12 बटे दो, पहला पद एक और अंतिम पद 12, 2 × 6 = 12, 12 × 1 = 13, 13 × 6 = 78, एस एन बराबर कितना हो गया 78, 78 हो गया सिर्फ कितने का, एक से लेकर 12 तक के एक सेक्शन का, ऐसे तीन सेक्शन हैं तो तीन से गुणा कर दो, तीनों अनुभागों
द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 3 से गुणा कर दो, 3 गुणे हो जाएगा 78, 3 8 24, 2 आया 3 7 21, 21 2 23, टोटल 234 पेड़ लगेंगे। तो आसान है ना ये? ये देखो, ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन। इसमें दिया है कि केंद्र ये से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ये और बी को लेते हुए, यानी ये और बी को बारी बारी केंद्र लेना है। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? 13 ठोक से बना टोटल अर्धवृत्त, कैसे लगाया जाएगा इसको? इस सर्पिल की कुल लंबाई बताना, ये लंबाई, ये वाला, ऐसे 13 अर्धवृत्त बना है, टोटल लंबाई कितना होगा? तो टोटल लंबाई का मतलब पहले हमें किसकी लंबाई निकालना होगा, पहले हमें इसकी लंबाई निकालना होगा इतने का, ठीक है। एक सर्पिल में जो बना उसका लंबाई, फिर इसका लंबाई, फिर इसका लंबाई, फिर इसका लंबाई, ऐसे सभी की लंबाई को निकालेंगे। अब सभी को लंबाई को निकाल कर सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आराम से। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या बनेगा। तो त्रिज्या से ये अर्धवृत्त बना हुआ है, ये भी त्रिज्या का अर्धवृत्त बना हुआ है, और त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है ये, यानी इतना है 0.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर दूसरा वाला, जब बी को त्रिज्या लेंगे तब ये अर्धवृत्त बनेगा, इतना यहाँ से यहाँ तक, तो ये त्रिज्या बनेगा, यानी 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। फिर 1.5 सेंटीमीटर बनेगा, फिर एक को त्रिज्या लेंगे तो ये ऊपर वाला अर्धवृत्त बनेगा, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। फिर बी को त्रिज्या लेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ऐसे आधा आधा बढ़ता जाएगा लगातार, वो हर बार त्रिज्या बढ़ेगा। तो हमें अर्धपरिध निकालना है, आधा परिध, अगर ये पूरा बनाएंगे तो पूरा वृत्त हो जाएगा 2πr, तो हमको अर्धवृत्त निकालना है, मतलब कि πr सिर्फ। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर r बराबर कितना हो जाएगा, ये से बी तक 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे परिध, अर्धपरिध, अर्धपरिध बराबर कितना हो जाएगा, 2πr को 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा, कट गया। पाई का मान दिया है 22/7, अब आर का मान कितना है, 0.5, गुणा कर दो इसको, 5 × 10, 5 × 10 = 11, 10 = 11.7, मतलब ये 11.0/7 आया, तो लिख देंगे 11/7 सेंटीमीटर। ये इतने का आ गया, एक भाग का इतने का आ गया। केंद्र कौन सा लिए थे हम, ये, अब त्रिज्या कितना हुआ था 0.5, अब की बार त्रिज्या लेना है 1 सेंटीमीटर, और केंद्र को लेना है बी, जब बी केंद्र लेंगे तो ये त्रिज्या बनेगा, ये बड़ा वाला अर्धवृत्त, ये वाला, तो यहाँ यही तो त्रिज्या हुआ। तो यहाँ लिख देंगे अब की बार जो त्रिज्या होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर का, तब अर्धपरिध क्या बनेगा, तब अर्धपरिध बनेगा पाई आर, वही तो है 2πr, 2 कट जाएगा, बचा पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 1, तो ये आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर। 2 आ गया, इसको लिख दे फर्स्ट, ये सेकंड वाला हो है। अब एक और निकाल ले थर्ड वाला, ये पहला अर्धपरिध, ये दूसरा, यहाँ L1 L2 लिखा है, नाम दिए हैं, ये L1 है, ये L2 है, अब आ जाएगा L3 की बारी। तो यहाँ चाहे लिख दें हम, ये है L1, ये है L2, अब की बार आ जाएगा L3। तो L3 के लिए त्रिज्या क्या बनेगा, 0.5 फिर बढ़ा दो, 1.5 हो जाएगा, तो L3 बराबर पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 1.5, गुणा कर दो इसको, 15 × 30, 3 आया, 15 × 30, 3 = 33, 0.1 स्थान पर, तो 33.0/7 ये सेंटीमीटर आ गया। तो 3 आ गया, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अब हम, जो श्रेणी बनेगा वो बनेगा 11/7 और दूसरा 22/7 और 33/7, ऐसे ये बनता जाएगा कितने पद तक, कुल कितना इसमें दिखाया गया है, 13 सर्पिल है ना इसमें, 13 क्रमागत। तो यहाँ लिखेंगे डॉट डॉट 13 पदों तक, तो हमको 13 पदों तक योगफल निकाल लेना है, बस आ जाएगा। तो इसके लिए ये का मान दिया है, निकालना पड़ेगा डी का मान। तो यहाँ लिख देंगे ये बराबर 11/7, यहाँ लिख देंगे पी, और डी बराबर कितना होगा,
22 बटे 7 में से 11 बटे 7 घटा दो, 22 बटे 7 में से घट जाएगा 11 बटे 7, हर बराबर है तो 22 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 11 बटे 7। ऐसे यहाँ से जब डी का मान निकालेंगे तो 33 में से 22 घटेगा तो भी 11 आएगा, यानी डी का मान 11 बटे 7। अब योगफल का सूत्र लगा दो, अब इसका योगफल निकाल दो तो क्या होगा, एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सभी का मान रख दो, एन का मान कितना है 13 पद, तो 13 बटे 2 टू ए का मान कितना है 11 बटे 7, तो यहाँ 11 बटे 7 रख देंगे, प्लस एन माइनस 1 13 माइनस 1, और डी का मान कितना आया है 11 बटे 7, तो यहाँ रख देंगे 11 बटे 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 बटे 2 वैसे रहेगा और 11 दुना 22 बटे 7 हो जाएगा, ये 13 में से एक गया 12 बचा, तो इसको लिख देंगे 12 गुड़े 11 बटे 7। इसको सोच रहे हैं कि 11 बटे 7 कामन कर लें, या 11 बटे 7 नहीं 22 बटे 7 कामन कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, आसानी लग जाएगा, और ना कामन कर पाओ तो गुड़ा कर दो, डायरेक्ट सब गुड़े कर दो ठीक रहेगा। तो 13 बटे 2 ये 22 बटे 7 वैसे रहेगा, और प्लस 12 खंडम 12 एक आया, 12 खंडम 12 एक 13 132 बटे 7, 7 दोनों में है यानी हर बराबर है, और जब हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाता वैसे, तो 7 वैसे रहेगा और ये हो जाएगा 22 बटे 132। अब सबको सॉल्व करो, जोड़ो इसको, 2 2 4 3 2 5 1 154, 13 गुड़े 154 बटे 2 गुड़े 7, 2 से कट जाएगा, 2 सदे 14 1 15 2 सदे 14 7 से कट जाएगा, 7 गिरैयाँ 11 आया, तो ये बना 13 गुड़े 11, गुड़ा कर दो इसको, 13 करनम 13 13 करनम 13 और 1 14 143 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। ये टोटल सर्किल जो 13 बनेंगे टोटल, उसका जो लंबाई होगा वो 143 सेंटीमीटर आएगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखना इसको, लिखा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, जो सबसे नीचे वाला ये लाइन है, ये सबसे नीचे वाला, इसमें टोटल 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, इसमें 19 हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, ऐसे लट्ठे लगे हुए हैं, ऐसे लदे हुए हैं, एक ही करके इसे गड्ढी बनाए पूरा इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ये टोटल जो संख्या है लट्ठों की ये कितना है 200, ये 200 लट्ठे लग के रखे हुए हैं, लेकिन कह रहा कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी एन का मान, हमको किसका मान निकालना है, एन का मान। ये टोटल 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपर कितना होगा, ऊपर माने एल का मान या ए एन कह सकते हो, तो सबसे ऊपर एल लिख दो, एल बराबर, ये भी बताना है कि कितने पंक्ति लट्ठे होंगे सबसे ऊपर, बस सिंपल है ये भी। ये का मान कितना होगा 20, तो पहले लिख दो 20, उसके बाद 19, फिर 18, ऐसे जाएगा डाट डाट ये, अब ये नहीं पता कितने तक जाएगा तो लिख देंगे एन पदों तक, पद हमको नहीं पता है ना इसका, तो एस एन बराबर दिया 200, फार्मूला रख दो, एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान है 200, एन का मान हमको नहीं पता है 2 ए, ये का मान 20, एन का मान नहीं पता है, डी का मान माइनस 1 क्योंकि ये कम हो रहा है लगातार, तो घटेगा तो उल्टा तो घटेगा, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर 19 माइनस 20, तो आएगा माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 रखा जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 200 से आकर 2 गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा 400 बराबर एन, 20 दुना 40, अब माइनस 1 का माइनस 1 से गुणा प्लस 1, तो 40 और 41 बन जाएगा ये, तो ये बनेगा 400 बराबर एन बाहर है और ये 40 एक 41 माइनस एन, अब एन को गुणा कराओ अंदर ले जा करके, तो ये हो जाएगा 41 एन और एन का एन से गुणा एन स्क्वायर, सबको बाई ओर ले आओ, तो प्लस एन स्क्वायर माइनस 41 एन और फिर ये प्लस 400 बराबर 0। अब 400 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 41 आए, गुणनखंड करो इसको, ये 25 और 16 आएगा, 25 सोलहियाँ, तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन और माइनस 16 एन और प्लस 400 बराबर 0, तो इसमें एन कामन हो जाएगा तो क्या बचेगा, एन माइनस 25
इसमें माइनस 16 का 1 हो जाएगा, तो बचा एन माइनस 25 बराबर 0। अब इसमें एन माइनस 25 का 1 हो जाएगा दोनों में, जब एन माइनस 25 का 1 करेंगे तो क्या बचेगा, एन माइनस 16 बचेगा बराबर 0। यानी एन का मान 2 आ गया, एन माइनस 25 बराबर 0 और एन माइनस 16 बराबर 0, यानी एन का मान 25 भी आ गया और एन का मान 16 भी आ गया। मतलब जो इसमें गड्ढी बने हुए हैं वो 25 और 16 दो ठो आ गए। अब इसमें सही कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए कि एन बराबर 25 होगा कि एन बराबर 16 होगा, इसके लिए हमको एल वाला सूत्र रखना होगा। अगर एल वाला फार्मूला रख देंगे जिस पे सही बैठ जाएगा वही तो सही है। अंतिम मान तो निकालना है, अंतिम लट्ठा आना चाहिए ना सही सही। अगर पंक्तियों की संख्या 25 रखेंगे तो हो सकता है जो लास्ट वाला ऊपर वाला है वो माइनस में आ जाए, अगर माइनस में आ जाएगा तो मान्य नहीं होगा, अगर प्लस में आएगा तो समझो कि मान है। ठीक है, जब गड्ढी ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस में नहीं चला जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, लिखेंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले चेक करेंगे 25 पर, तो ये का मान 20 प्लस ये 25 माइनस 1 और डी का मान कितना है माइनस 1, तो 20 प्लस 25 में से 1 गया 24 गुड़े माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 24, देखो माइनस में आ गया माइनस 4, तो क्या अंतिम लट्ठे की संख्या माइनस 4 होगा, और 4 लट्ठा लाकर रखेंगे उसमें। माइनस 4 का मतलब क्या हुआ कि अंतिम वाले पंक्ति में 4 लट्ठा और रखना होगा, बोला अपने अपने अलग से अपने मन से, दिक्कत हो जाएगा ना इससे। तो ये जो 25 है ये मान्य नहीं होगा, एन बराबर 25 ये मान्य नहीं है, तो अब क्या रखेंगे, एन बराबर 16 रखने पर, तो 16 रख कर देखो, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, डी का मान माइनस 1, तो 20 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुड़े माइनस 1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 कितना आया 5। यानी अंतिम जो लट्ठा होगा, अंतिम जो लाइन होगा उसमें लट्ठों की संख्या होगी 5, ये सही आ गया, इसका मतलब 16 सही है। टोटल 16 पंक्त होंगे और अंतिम लट्ठों की संख्या वो कितना होगा 5 होगा। 20वां क्या क्वेश्चन था, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कह रहा कि एक बाल्टी रखा प्रारंभिक स्थान पर और 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है, ये यहाँ पर पहला आलू रखा है 5 मीटर की दूरी पर, बाकी 3-3 मीटर पर रखे गए हैं, और ऐसे टोटल इसमें 10 आलू हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आलू रखे गए हैं। इसमें बताना है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी ये लड़की यहाँ से चलना शुरू करती है, और क्या काम करेगी, वो निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यहाँ से आई, यहाँ पर आलू उठाई, फिर बाल्टी में डाल दी, कितना चली वो 5 गई 5 वापस आई 10 मीटर। तो पहले वो चली 10 मीटर, उसके बाद दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, फिर यहाँ से दूसरा आलू उठाई फिर बाल्टी में डाली, तो 5 ये और 3 ये 8 8 आई 8 गई कितना हुआ 16 मीटर, तो यहाँ फिर हो जाएगा 16 मीटर। उसके बाद और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं, फिर उसके बाद तीसरा आलू उठाएगी, तो 5 3 8 3 11 11 2 22 ऐसे तीसरे चौथे के लिए 14 2 28 ऐसे कितनी बार करेगी वो, 10 आलू है तो ऐसा प्रक्रिया वो 10 बार चलेगा। तो योगफल निकाल लो इसका, क्योंकि हमें पता करना है कि टोटल कितना की मीटर वो दौड़ेगी, तो टोटल मीटर का मतलब क्या हुआ कि पहले 10 मीटर फिर 16 मीटर फिर 22 मीटर सभी को जोड़ देंगे, और जोड़ने का फार्मूला पता है, जोड़ने का फार्मूला लगा देंगे आ जाएगा आसानी से, तो इसमें सभी का मान लिख देंगे, ये बराबर है 10 मीटर और डी बराबर हो जाएगा 16 में से 10 को घटा देंगे तो 6 मीटर, और एन का मान दिया है 10 बार यानी 10 हो जाएगा एन का मान। अब फार्मूला रख दो योगफल वाला, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 और 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सभी का मान रख देंगे, एन का मान 10 दिया है और ये का मान दिया है 10 और एन का मान भी 10 माइनस 1 और डी का मान 6 दिया है, तो यहाँ 6 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 * 2 = 2 2 * 5 = 10, तो ये 5 आ गया 10 * 2 = 20 और प्लस 10 में से 1 गया 9 9 * 6 = 54, तो 5 गुड़े ये 54 और 20 74 गुणा करा देंगे, तो 5 * 20 = 2 आ गया 5 * 35 और 2 = 37 ये 370 मीटर आ गया।
मतलब कि ये सभी आलुओं को बाल्टी में रखने के लिए 370 मीटर की दूरी तय करेगी। अगर इसको दूसरी तरीके से लगाना चाहें तो यहीं से लास्ट वाला पद निकाल लेंगे, थोड़ा और आसानी से लग जाएगा। लास्ट पद वाला भी देख लो, जैसे पहले कितना हुआ 10 मीटर और लास्ट वाला यहाँ पर आलू तो है, तो जोड़ो कितना चलेगी वो, 5, 3, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 17, 17, 3, 20, 23, 23, 26, 26, 3, 26, 3, 29, 29, 32, 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
गया, तो ऐसे सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर एन बटे दो यानी 10/2। ये का मान कितना था 10, अब वो था 64, तो 2 × 2 दो पंचे 10, तो हो जाएगा 5 × 64 = 10 = 74। तो 5 × 20 5 × 35 = 37। आ गया ना आसानी से ये।